Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Hello dosto, Techno Reviewww में आपका स्वागत है। और realme ने दोस्तों हमें ये एक mysterious box भेजा है, और थोड़े टाइम पहले ये mysterious था, अब नहीं है। हमने इसको ओपन कर दिया और इसमें मुझे बहुत सारे realme के प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जो भी हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया था। इसमें मुझे काफी सारे IoT प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ दो फोन्स भी दिख रहे हैं। सबको बाहर निकालेंगे, सबकी जानकारी आपको एक ही वीडियो में यहाँ पर दे देंगे। और मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मैं सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट निकालूं? सबसे छोटी चीज पहले निकालते हैं, रियल मी का स्मार्ट प्लग। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। प्लग ही होगा और क्या। एकदम छोटा सा यूजर मैनुअल आपको मिलता है और ये आ चुका है स्मार्ट प्लग। एक्चुअली में साइज बहुत ही छोटी है दोस्तों, और ये 3-pin स्टाइल आपको मिलता है। सामने की तरफ इंडिकेटर है और पीछे दोस्तों लिखा है इसमें वाईफाई सपोर्ट है, 2.4 GHz स्मार्ट प्लग, इसीलिए बोलते हैं। रियलमी लिंक ऐप से दोस्तों ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये क्या करता है दोस्तों, आपने इसको अपने सॉकेट में लगा दिया, इसको फिर अपने रियलमी लिंक ऐप से कनेक्ट कर दिया। वायरलेसली आप इसका यूज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं और टाइमर सेट कर सकते हैं इसके अंदर। कि फॉर एग्जांपल रात में अगर आपको अपने फोन को चार्ज करना है, आपने डिसाइड किया कि ये सुबह 4 बजे से मेरा फोन चार्ज होना शुरू हो जाए, पूरी रात नहीं, आपने इसके अंदर अपने फोन को लगाकर छोड़ दिया, मतलब एडाप्टर को लगा के छोड़ दिया, और फिर 4 बजे अगर आपने टाइमर सेट किया तो ये 4 बजे ऑन हो जाएगा, फिर आप उससे अपने फोन को चार्ज करिए, और आप चाहे तो 6 बजे बंद हो जाए तो वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये काम करता है, रिमोटली आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हाँ, ये स्मार्ट प्लग कुछ वैसा है। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, 800 रुपए की प्राइस से मुझे तो सही लगा। उसके बाद क्या चीज हमारे हाथ में आती है, मैं पहले ये निकालूंगा। ये है रियलमी M1 सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। जी हाँ, ये जो M1 आया था, हमने जिसकी अनबॉक्सिंग की थी और हमने ब्रश भी किया था, छोड़ उसको। हाँ, ये उसका लाइटर वर्जन है और ये आपको सिर्फ 800 रुपए में मिलेगा। इसमें भी दोस्तों आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलते हैं। 20,000 टाइम्स इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक मोटर है, इसका मतलब 1 मिनट में ब्रर करके ये 20,000 बार वाइब्रेट हो सकता है। 99.9% आपको एंटी बैक्टीरियल ब्रिस्टल्स मिलते हैं। 130 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिलता है, एक बार चार्ज कर लीजिए 130 दिन तक चलेगा, जो बढ़िया बात है। 3 आपको अलग अलग क्लीनिंग मोड्स मिलते हैं, सेफ फूड ग्रेड ब्रश हेड है और साथ में IPX7 वाटर रेजिस्टेंट है। और ये भी दोस्तों एक बार निकाल के देख लेते हैं इसकी बिल्ड कैसी। यूजर मैनुअल आपको मिलता है, बॉक्स के अंदर है, चार्जिंग के लिए आपको केबल मिलता है, तो कुछ इस तरीके का है दोस्तों। ब्रश हेड देखेंगे उसका, एकदम मस्त, एकदम स्क्वायर टाइप लग रहा है, और ये इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पर फिट हो गया, क्या बात है। और ये हमने गुड बिल्ड भी दोस्तों बढ़िया है, एकदम चमकीला व्हाइट लग रहा है, और नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिल रहा है चार्ज करने के लिए। तो खैर दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है, अफोर्ड कर सकते हैं, तो 800 रुपए में आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। कौन आता है? अभी मैं एक फोन लेना चाहूंगा और मेरे पास आ गया है। हाँ, ये फोन है, ठीक है, ये है Realme 7 Pro। अब आप सोच रहे हैं यार वापस से क्यों, तो ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये है लेटेस्ट सन किस्ट लेदर एडिशन, एकदम मस्त प्रीमियम आपको यहाँ पर डिजाइन मिलती है इसके अंदर। सेम प्राइस पर आया है जो Realme 7 Pro अवेलेबल है। ये गलत हो गया यार, अगर पहले दे रहे थे तो मेरे ख्याल से बढ़िया होता था। इसको ओपन कर लेते फटाफट से, ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, सिर्फ डिजाइन की बात करेंगे। ओहो, क्या बात है दोस्तों, तो मस्त आपको लेदर यहाँ पर डिजाइन मिलती है, मस्त आप देखेंगे। ये जो ऑरेंज जो शेड दिया, स्ट्रैप दिया, वो क्या लग रहा है, Realme की ब्रांडिंग मिल रही है। एक्चुअली में दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, फिर तो बढ़िया होगा। तो अगर आप अभी कोशिश कर रहे हैं Realme का फोन लेने के लिए 7 Pro, मैं आपसे यही रेकमेंड करता हूँ। सीरियसली दोस्तों, ये फील भी हो रहा है और देखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, मजा आ गया। तो हाँ, सन किस्ट लेदर। ये बड़े दिनों से मैं इसको खोज रहा था और Realme ने ही लॉन्च कर दिया, Realme स्मार्ट कैम 360। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं दोस्तों। फुल HD वीडियो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको 360 पैनोरामिक विजन मिलता है, यानी कि दोस्तों ये पूरा ऐसा घूमेगा और चारों तरफ से जो वो चोर के ऊपर वार करेगा अगर कोई कांड करने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा ऊपर नीचे भी होता है, मैन्युअली भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और मोशन ट्रैकिंग है तो इंसान को देखकर भी अपने हिसाब से भी इधर उधर करेगा। तो अगर चोर यहां खड़ा है, सोचा मैं होशियारी करके वहां निकल लूं, कैमरा तो फॉलो करेगा, तो वो गलत है, वो वहां पर भी घूम सकता है। साथ में वॉइस आपको टॉकबैक मिलता है, आप अपने कैमरे के थ्रू अगर आप बाहर हो मोबाइल से बात कर सकते हैं। बेडरूम में मैंने कैमरा लगा लिया, इन केस मैं बाहर ऑफिस में कहीं हूं, मैंने मोबाइल ऐप ओपन किया रियलमी लिंक से, जब इसको मैं कनेक्ट कर लूं वहां पर मैंने बात किया तो कैमरे से आवाज आएगी, जी हां आप बात कर सकते हैं, और अगर वो भी बात किया कैमरे में तो आप सुन सकते हैं, वीडियो कॉल हो गया।
खैर इंफ्रारेड नाइट विजन है, रात के वक्त भी ये डिटेक्ट कर लेता है, इसमें इंफ्रारेड विजन लगा हुआ है। साथ में 128 GB तक का इसमें मेमोरी कार्ड का सपोर्ट है, तो आप मेमोरी कार्ड लगा लो, मस्त रिकॉर्डिंग करेगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, और मल्टीपल प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको दी गई है। तो रियलमी लिंक ऐप से अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स है दोस्तों, और 2600 रुपए का आपको ये मिलता है। तो मेरे ख्याल से मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो देखेंगे किस तरीके का ये काम करता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे प्राइस अच्छी लगी है और चीज भी अच्छी है, मैं ऐसे यहाँ पर बोल सकता हूँ। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा डब्बा है लेकिन बहुत जरूरी है, ये है realme buds wireless pro। इसमें दोस्तों वैसे काफी इंटरेस्टिंग आपको फीचर्स मिलते हैं, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, सोनी एलडेक आपको हाई रेजोल्यूशन ऑडियो मिलता है, 22 आवर्स प्लेबैक है, और मैग्नेटिक सिस्टम है वो ईयरबड्स के अंदर टक करके चिपक जाएगा, और सॉन्ग पॉज प्ले वगैरह का भी फीचर उसमें दिया गया है। 13.6 mm आपको बेस बूस्ट ड्राइवर से, 5 मिनट अगर चार्ज कर लिए तो 100 मिनट का आपको बैकअप मिल जाएगा, और 119 मिलीसेकंड का आपको सुपर लो लेटेंसी मोड वगैरह भी मिलता है। बेल्ट दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी, स्पेशली जब मैं ये गले में पहनता हूं तो ये ऊपर का मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, तो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, और यहां पर भी ऊपर काफी सारे आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं। केबल की बेल्ट भी अच्छी है, ऐसा हल्का फील होता है टेक्सचर जैसा, और ईयर टिप्स भी देखेंगे दोस्तों ऐसे कर्व्ड है, कानों में फिट भी इनका अच्छा है, और ऐसा मैग्नेटिक है, ये देखेंगे इस तरीके से ये चिपक जाते हैं, तो हाँ मुझे यहाँ पर वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो ये अच्छा है दोस्तों। 3000 रुपए का है फिलहाल के लिए सेल पर, लेकिन बाद में ये 4000 हो जाएगा। Realme लिंक ऐप से कनेक्ट होता है, और साथ में ऑडियो क्वालिटी बहुत ढांसू है दोस्तों, ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ ऑडियो क्वालिटी में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर काफी कमाल का होगा। इसका ही छोटा भाई है उसको भी बाहर निकाल लेते हैं, Realme Buds Air Pro, ऐसे तो छोटा है लेकिन इससे काफी प्रीमियम है, 4500 रुपए का अभी आपको मिलेगा, लेकिन बाद में ये 5000 रुपए का हो जाएगा, और इसमें भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है, 94 सेकंड सुपर लो लेटेंसी यहाँ पर आपको मिलती है, 25 आवर्स का आपको इसमें बैकअप मिलता है, और 10 mm बेस बूस्ट ड्राइवर से, और साथ में इसमें डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन वगैरह दिया गया है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। चार्जिंग केस तो उसका यार एकदम ढांसू है यार, एकदम मस्त छोटा छोटा सा, और हाँ चीप नहीं लगता है, अच्छा प्रीमियम फील होता है, और इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। व्हाइट कलर का हमारे पास आया हुआ है, ऐसा सिलिकॉन टिप वगैरह लगा हुआ है इसमें आप देखेंगे, और फिटिंग भी ओहो वेरी गुड, फिटिंग बहुत अच्छी है दोस्तों, कानों में इसका फिट बहुत अच्छा है, और इसकी ऑडियो क्वालिटी दोस्तों सुपर्ब है, बहुत ही सुपर्ब है, मैं ऐसे यहाँ पर बोल सकता हूँ, तो ये भी काफी मस्त मटेरियल आपको मिल जाता है, तो अगर आपकी बजट 5000 के नीचे है तो ये भी आपके लिए काफी बढ़िया क्वालिटी के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स हो सकते हैं। और फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको हम कैसे भूल सकते हैं, Realme 7i दोस्तों, ये आपको 12000 रुपए का मिलता है, 464 और 13000 का 4128, और बाकी इसमें आपको 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा मिलता है, मतलब रियल मैंने पहली बार उस प्राइस पर आपको ये कैमरा दिया है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन वो मैं चेक करना चाहता हूँ कि चार्जर बॉक्स में दिया है कि नहीं दिया, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा वैसे बैक केस वगैरह भी दे दिया है बॉक्स में, आप देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन से, सिम इजेक्टर पिन है, टाइप सी केबल मिलता है, मतलब टाइप सी पोर्ट है, और चार्जर जो है 18 वोल्ट का चार्जर दोस्तों आपको बॉक्स में मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में दोस्तों आपको इसमें HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की, लेकिन 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे दिया है, फुल HD प्लस होता तो मेरे ख्याल से अच्छा होता था, अब 90 हर्ट्ज दे दिया है तो वहां पर उन्होंने HD प्लस कर दिया है, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी मुझे इतनी बुरी नहीं लगी, अच्छी है और स्मूथ परफॉर्म करता है। साथ में दोस्तों स्नैपड्रैगन 662 है, तो मेरे ख्याल से प्राइस के हिसाब से ये भी थोड़ा ज्यादा है, अगर 10000 के नीचे फोन होता तो अच्छा रहता था, लेकिन बात यह ना कि 64 मेगापिक्सल कैमरा नहीं आता था, इसलिए उन्होंने कैमरा सेंट्रिक टाइप फोन बना दिया है, मैं ऐसे बोलूंगा, लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अब दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होता है, LPDDR4X आपको रैम मिल जाता है, और स्टोरेज eMMC 5.1 है, तो वैसे मुझे वहां कोई लैग स्टटर नहीं दिखाई दी, और गेम भी अगर आप चाहे तो खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, मैं इतना आपको यहां पर बता सकता हूं। और साथ में सेल्फी को कैसे बोलेंगे, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, कैमरा दोस्तों अच्छा है, मैंने टेस्ट किया था इसका, रियर सेल्फी दोनों अच्छा है, 64 मेगापिक्सल वाला अच्छा काम करता है, कलर्स वगैरह सही है, तो हां वहां पर आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कैमरा सेंट्रिक फोन है, मैं ऐसे इस फोन के बारे में बोलूंगा। रियर फिंगरप्रिंट आपको स्कैनर मिलता है फेस अनलॉक, और पीछे थोड़ा सा ग्लॉसी बैक दिया गया दोस्तों, और ऐसा पॉलीकार्बोनेट बैक है ऑब्वियसली, तो थोड़ा अलग डिजाइन है, तो दूसरे Realme के फोन से कंपेयर करूं तो देखने में ये थोड़ा डिफरेंट भी लगता है। तो ये है कुछ Realme 7i की कहानी, बस इतना ही था दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स थे Realme ने जो हमें भेजा था, एक एक करके आपको मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, इंटरेस्ट रहेगा तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, वहां पर जाके आप चेकआउट करिए। और क्या लगता है दोस्तों इस बड़े मेगा अनबॉक्सिंग के बारे में, ऐसे कुछ फ्यूचर में करें उसके बारे में भी आप सजेशन देके कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।